नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुड़हल के बारे में। जो गुड़हल की कलियां हैं वो किस तरह से पीली होकर प्लांट पर से कलियां गिरने लगती हैं, और कलियां तो बहुत बनती हैं पर वो पीली होकर अचानक से गिरने लगती हैं। हमारे पत्ते भी कुछ इस तरह से पीले होने लगते हैं। कुछ एक दो पत्ते अगर हो भी जाते हैं पूरे स्टेम पे पीले तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं अब इसमें कलियाँ अच्छे से बन गई हैं। लेकिन किसी किसी पौधे में क्या होती हैं कि कलियाँ छोटी छोटी आती हैं और वो पीली होकर गिरने लग जाती हैं, वो फूल में कन्वर्ट ही नहीं होती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारी कलियों को कि हमारी एक स्टेम पे कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए आप, हर एक स्टेम पे कलियाँ मिलेंगी आपको, पत्तों से ज़्यादा कलियाँ हैं। इस तरह के आपको करने के लिए ये मैंने कुछ अपने इस पर कहेंगे कि कोई सीक्रेट अपनाया है, या फिर कहेंगे अपना कुछ तरीका किचन से यूज़ करके हमने अपनाया है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट की हो रही है और इतना ज़्यादा ये फूलों से भरा हुआ है। तो इसी तरह की ग्रोथ के लिए हम आज बात करेंगे, और इस तरह की कलियाँ यूँ ही बनती रहें उसके बारे में भी बात करेंगे आज आपसे। आप देख रहे होंगे ये एक ही पौधा है जो इस तरह इधर से बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, इसके लीव्स नहीं है, और इधर ये बिल्कुल हाफ एरिया में कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसका कारण मैं आपको बताऊँगी। ये एक ही स्टैम्प है जिसको मैं कट कर करके, मैंने देख रहे हैं आप कितने हैवी अच्छी ग्रोथ इसकी कर दी है, ये कितनी मोटी स्टैम्प हो गई है हमारी, ये देखिए। मैं इनका तब भी सीज़न आता है तभी क्या करती हूँ, फ्लावरिंग लेने के बाद हमें पहले तो यहाँ से टिप से कट कर देनी चाहिए फ्लावरिंग लेने के बाद, क्योंकि हम इस तरह के अगर फ्लावर छोड़ देते हैं, जैसे आज ही हमने एक फ्लावर को छोड़ दिया था इस पे, तो इनको अच्छे से हम निकाल देना चाहिए ऐसे। तो ये हमारे क्या है, इनसे चींटियाँ आने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फंगस लगने का भी एक ये कारण बनते हैं, जिस मिलीबग का अटैक जो होता है वो भी इनकी वजह से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप इनको रिमूव कर दीजिए पहले, तो फिर बात करते हैं। जैसे हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या इस तरह से अचानक से स्टैम्प ड्राई हो जाती है, ये अभी एक महीने पहले अचानक से स्टैम्प सारी ड्राई हो गई थी इसकी, इनफैक्ट ये वाली भी हो गई थी सभी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने सबको कटिंग किया हुआ है। ये देखिए कटिंग करने के बाद का रिजल्ट है मेरा। मैंने इतनी गर्मी में भी, यानी कि मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही इस पर इतनी अच्छे से फ्लावरिंग और ये सब लीव्स आए हैं नए, और लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे प्लांट बिल्कुल मर ही जाएगा। लेकिन हमने इस पर अपना फर्टिलाइज़र कहेंगे, खाद कहेंगे, या इसकी केयर कहेंगे, जो भी हमने की, उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसमें जगह जगह से ही अपने आप इसकी नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं कितने अच्छे से। ये देखिए पूरा आपको कहीं ना कहीं से पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, जिससे कि अब ये हमारा प्लांट मरेगा नहीं बिल्कुल भी। इसकी मैंने ट्रिमिंग की है जहाँ जहाँ से मुझे लगा करनी चाहिए, हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी मैंने इसकी, सॉफ्ट की थी। जैसे ही ये स्टैम्प ऐसे ख़राब हो जाती है पत्ती कटी, तो मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी इसकी। तो ऐसे आप सॉफ्ट प्रूनिंग अपने प्लांट की फ्लावरिंग लेने के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप इनके मानसून में ही कीजिए, या फिर आप जैसे फैब जाने के बाद मार्च स्टार्ट होने से पहले पहले इन टाइम पे करना बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह के मेरे पास गुड़हल के पौधे, ये हमारा रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें देख सकते हैं आप, तो ये इस तरह का हमारा गुड़हल का एक प्लांट है। ऐसे मेरे पास 4-5 प्लांट है, चलिए मैं आपको उनको भी दिखा देती हूँ और उनकी ग्रोथ के बारे में भी दिखाती हूँ। उससे पहले देखिए दोस्तों, अगर अच्छे फ्लावरिंग, अच्छे फूल, अच्छी ग्रोथ चाहिए होती है प्लांट की, तो हमें ना कई सारी केयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सही समय का पानी देने की, सही खाद, सही फर्टिलाइज़र किस टाइप से दिया जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में। और मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो भी है केमिकल वाला तो अवॉइड करें जितना हो, क्योंकि टाइम के कम जो लोग करते हैं वो थोड़ा सा देख के, जैसे गर्मी है तो थोड़ा कम कर दे उसका यूज़, थोड़ा घर पे होम किचन फर्टिलाइज़र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें आप लोग। आप ये देख पा रहे होंगे एक ये भी पौधा है हमारा जो बिल्कुल ऐसे सूख रहा है अब इस टाइम पे। इसके सूखने का कारण मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक तो मैंने इस पे टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि और ये मैंने अभी ऐड किया, मुझे इस पे पता भी नहीं फ्लावरिंग कैसी आ रही थी इस पे, क्योंकि इसके जो है बल्ब बनने शुरू हुए थे और ये अचानक से यहाँ से सूख गया था। आप देख रहे हैं इसके पत्ते भी सूखने लगे, लेकिन ये मरेगा नहीं पौधा। इसको दोबारा से मैं आपको हरा भरा करके ज़रूर दिखाऊंगी। ये एक स्टैम्प है और ये अभी क्या है, तेज़ धूप आने की वजह से ज़्यादा धूप में था और टाइम पे इसको पानी नहीं दिया गया, और पानी जो है हमने दिन में दे दिया था, क्योंकि जैसे अगर हम इधर उधर कहीं चले जाते तो हम टाइम पे पानी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट और दिन में गर्म पानी इसमें डल गया, जिसकी वजह से इसके स्टैम्प में थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। अब इसकी यहाँ से हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो ट्रिमिंग का समय है, और ये अगर यहाँ से ट्रिम करने के बाद ये मरने की कगार पर भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप, ये अपने आप ग्रोथ ले लेगा, बस आपको इसको अच्छे से जो मैं आज बताऊँगी वो सब इस प्लांट में करेंगे, तो दोबारा से हरा भरा बिल्कुल इन प्लांट की तरह दिखाई देगा। ये देख रहे हैं आप, ये भी मेरा 2 साल पुराना पौधा हो चुका है और मैंने इसके स्टैम्प भी आप चेक कर सकते हैं, और ये मेरे 10 से 12 इंच के ही पॉट में लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े ये पॉट नहीं है मेरे, और ये सिर्फ एक स्टैम्प के जैसे छोटा ही था, पतला सा, बिल्कुल इतनी स्टैम्प थी तब मैंने इसको लगाया था। और इसकी भी देख सकते हैं आप, मैं इनकी प्रून कर करके और इनको फ्लावरिंग लेके और इनके सीज़न पे इनकी केयर करके, और मैं महीने में नहीं कहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फीडी प्लांट होता है, इसको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं वीकली फर्टिलाइज़र अलग अलग देने पड़ते हैं इसको, और वीक में 2 बार भी हो सकते हैं, कई बार हो जाता है कि 2 बार देने पड़ जाते हैं, हम अपने और प्लांटों में देते हैं तो इनमें भी हमें देने पड़ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कितना हरा भरा है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देख रहे हैं आप, देखिए हर स्टैम पे आपको बल्ब मिलेंगे इसके फ्लावरिंग आने के लिए, इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं आप।
पोट में लगा हो या जमीन में लगा हो, दोनों पे ही ये असर करेगा, कारगर है और अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, अच्छे पत्ते भी निकल के आएंगे, फूलों से भी भरेगा। तो कलियाँ भी पीली पड़ रही हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा और जो मुरझाया हुआ पौधा है वो भी हरा भरा और हेल्दी दिखाई देगा आपको। इस प्लांट में हमारे अप्रैल में फ्लावरिंग हुई थी और अप्रैल में फ्लावरिंग होने के बाद ये अचानक से अब मई आते आते इसके काफ़ी सारी कलियाँ झड़ के गिरी हैं, लेकिन अब ये ठीक हुआ है एक हफ्ते से। जैसे कि मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला है तो उसका रिजल्ट मुझे अब देखने को मिल रहा है इसमें कि कलियाँ बनी अच्छी अच्छी। गुड़हल का पौधा एक ऐसा प्लांट होता है जिसको रिच नाइट्रोजन, NPK, फॉस्फोरस और पोटाशियम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, और इसको चाहिए इतना। तो जो पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करता है उनकी ज़्यादा मात्रा फूड की ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है और इसको हाई फूड प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो इसमें कोई समस्या आ जाती है, जैसे फूल बनना, पत्ते पीले पड़ना या ग्रोथ रुकना। अपने प्लांट में तो देखिए दोस्तों, ऐसे थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर लीजिए पहले। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने के बाद हम इसमें डालते हैं और गुड़ाई हल्की हल्की ही करें क्योंकि रूट्स पे इस पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि देखिए रूट्स ऊपर तक आई हुई हैं। इसको हम जब सीज़न आएगा तब हम इसको रिपोर्ट कर लेंगे। अब ये प्लांट के लिए छोटा पोट पड़ रहा है हमारा। इसमें हम दो तीन तरीके से आपको बताएंगे। एक तो देखिए, इस तरीके के केले के पत्ते होते हैं जो हम यूज़ की हुई केले होते हैं उनको हम ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग ऐसे लगाते भी हैं लेकिन मेरे यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो इस वजह से इसको अवॉइड करती हूँ मैं। आप क्या करेंगे, कुछ पत्तों को इस तरह से ड्राई कर लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये दो दिन में ड्राई हो जाते हैं और इस तरह की आवाज़ इनमें से आएगी। उस तरीके का आपको ड्राई करना है और आप इनको इसमें ऐसे अंदर दबा के इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरा हमने क्या किया है कि जो ये हमारी लीव्स जो ड्राई थी उनको हमने सुखाया था, इनको हमने मिक्सी में से ग्राइंडर कर लिया है। ये अच्छे से पिस गई हैं, थोड़ी दरदरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे तोड़ के या फिर किसी हैवी चीज़ से इनको थोड़ा थोड़ा छोटे टुकड़ों में करके उसके बाद भी आप पीस सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम दो चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से अपने प्लांट्स की मिट्टी में अच्छे से दे देंगे। और अपना पौधा लगाते वक्त 2 इंच का गैप ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे फर्टिलाइज़र वगैरह देने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरीके से हम अपने सारे गुड़हल के पौधे में दे देंगे और उसके बाद आप इसकी ग्रोथ देखना। दूसरा क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट ऐड करते रहें, हर 15 दिन में थोड़ी थोड़ी दें, एक बार में ज़्यादा ना दें, और वो भी इसमें ऐड करते रहे। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों, आप इसको कैल्शियम दें। देखिए दोस्तों, कैल्शियम में आप इसको एक आपके पास चौक हो सकता है वो भी दे सकते हैं, या फिर आप चूना आता है जो वो लगा के खाते हैं, या फिर वैसे चूना मिल जाता है आपको कहीं पे भी, तो वो चूना आप लेके थोड़ा सा अपना डाल के इसमें डाइल्यूट करके पानी में या फिर ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं उसको। उससे भी आपके पौधे में कैल्शियम की कमी या फिर काफ़ी चीज़ों में आपके पौधों को ग्रोथ करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमारे पौधों में जो है नमी है, नमी ज़रूर बनी रहने दें क्योंकि इनको क्या है, अब गर्मियों में 2 टाइम 1 टाइम पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो पौधे में इतना पानी दे के थोड़ी थोड़ी नमी सी रहने दीजिए, एकदम सुखाइए मत पौधे को, क्योंकि फिर एकदम से ही ये डोरमेसी में आना स्टार्ट कर देता है। और केले के छिलके का पानी दे सकते हैं, लेकिन केले के छिलके के पानी में जो हम उसको भिगो के रखे तब हम डालते हैं, उसमें क्या है थोड़ा सा पौधे में पोटाश की कमी कम होती है, उसमें नाइट्रोजन या फिर इससे फॉस्फोरस की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। तो आप अगर इस तरीके से देंगे तो आपके पौधे में जो है पोटाश की कमी नहीं होगी और साथ में आपको नाइट्रोजन और सबसे ज़्यादा आपको पोटाश अच्छे से मिल पाएगा पौधे को, अगर आप सुखा के केले के पानी के देंगे। और अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखने के लिए आप 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए और उसको पानी में डाल के भिगो के रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उसके पानी को आप पौधों में दीजिए, उससे आपके पत्ते और फूलों में भी काफ़ी फ़र्क आएंगे, पत्ते हरे भरे निकल के आएंगे और फूलों से भर जाएगा पौधा।